Prime Minister Narendra Modi inaugurated a meeting of BJP's national office bearers at the NDMC Convention Center in New Delhi. This meeting gains importance ahead of state assembly elections in Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Puducherry and Kerala in the next few months. Prime Minister Modi also condoled the deaths of BJP leaders who succumbed due to COVID-19. BJP National General Secretary Arun Singh addressed the media at the NDMC Convention Center and gave out the highlights of the meeting. आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के प्रभारी, मोर्चों के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री संगठन, इनकी बैठक सुबह से चल रही है। उद्घाटन सत्र के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य आज अतिथि के रूप में थे। He also said that Prime Minister gave guidance to national office bearers in the meeting. और माननीय प्रधानमंत्री जी का देश भर के हमारे पार्टी के आए हुए प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को उनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मित्रों, इसके बाद अगला सत्र, जो अभी सत्र चल रहा है, प्रस्ताव है, प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है। द बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी स्टेटेड दैट द पार्टी आल्सो डिस्कस्ड स्ट्रेटजी फॉर असेंबली इलेक्शंस शेड्यूल्ड इन 5 स्टेट्स दिस ईयर। भारत के अभियान पर चर्चा भी होगी, कृषि विधेयक पर भी चर्चा होगी, उसी के साथ साथ प्रदेशों द्वारा भी रिपोर्टिंग, अभी अलग अलग प्रदेश रिपोर्ट करेंगे, अपना वृत्त निवेदन करेंगे, जैसे हम बैठक में रखते हैं। उसके साथ जो संगठन की रचना और आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा और उसकी घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी आगामी कार्यक्रम जो करने जा रही है उसकी भी आज घोषणा यहाँ पे होगी। बिफोर कंक्लूडिंग द मीडिया ब्रीफिंग, अरुण सिंह सेड दैट द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क डन बाय स्टेट जनरल सेक्रेटरीज वाज आल्सो रिव्यूड इन द मीटिंग। संपन्न होगी, फिर उसके बाद प्रदेश अनुसार हमारे 6 से 7 राज्यों का ग्रुप के अनुसार बैठक होगी। उस बैठक में अभी तक की संगठन की रचना, अभी तक के कार्यक्रम की जानकारी और आगामी कार्यक्रमों की भी रचना के बारे में उस बैठक में चर्चा करेंगे। उद्घाटन सत्र बहुत ही अच्छा रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकर्ताओं ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। This was the first gathering of the national office bearers since the COVID-19 outbreak.